राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज दिन है सैटरडे का और तारीख आज 6 जुलाई और सुबह का टाइम है। सुबह के अभी इस वक्त बज चुके थे 5:45 का टाइम था। फिलहाल 5:30 बजे के करीब मैं उठी थी और सुबह जैसे उठती हूँ ना तो मायरा रानी ने एकदम से उठ जाती है। तो 5-10 मिनट है ना, फिर इसको आराम से सुलाने में ना मेरे को लग जाते हैं। बस अभी फिलहाल 5:45 का टाइम था और मैं अपना उठ चुकी थी। हमेशा की तरह जो मॉर्निंग की शुरुआत है हो चुकी है हंसी खुशी। और बस उठते ही सबसे पहले भगवान जी को थोड़ा सा धन्यवाद दिया, क्योंकि भगवान जी का धन्यवाद तो हमें उठते बैठते हमें देना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना हम इतनी खूबसूरत जो लाइफ है हमें दे रखी है, तो उनका धन्यवाद करना तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बस तो जी उसके बाद बस मैं अपना बिस्तर से उठी और उसके बाद बस फटाफट से आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे इस टाइम पे ना सुबह सुबह 5 से 6 बजे के करीब जैसे ठंडी ठंडी ताजी ताजी जो हवा है वो चलती है, प्यारी प्यारी धीमी धीमी आवाज में चिड़िया की कोयल के टिक कहकाने चहचाने की जो आवाज़ है वो आती है, जो कि बहुत ही प्यारी बनती है। और सुबह सुबह जैसे ताज़ी हवा हमारे अंदर जाती है फ्रेश एयर, तो हमारा पूरा दिन है जैसे फ्रेश फ्रेश हमें फील होता है। और जैसे सुबह हम जल्दी भी उठते हैं तो हमारा जैसे पूरा दिन के लिए हमें क्या करना है, तो सुबह जैसे जल्दी उठते तो हमारा सारा काम है टाइम के हिसाब से फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाता है, और मतलब पूरा दिन है जो अच्छे से हमारा फिर वो निकलता है। तो इस वजह से बस थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी तो मैं वो नहीं उठ पाती, बस 6 बजे तक मतलब टारगेट रहता है, 5:30-6 बजे तक उठ जाऊँ ना तो मतलब सही टाइम टेबल के हिसाब से जो मेरा सारी चीज़ें जो मैनेज हो पाती है। अगर मैं 1 घंटे भी लेट हो जाती ना तो फिर मतलब सारा अनबैलेंस हो जाता है और मतलब ऊपर से मूड और अलग से ऑफ रहता, मतलब जैसे हम सोचते ना वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब इरिटेशन सा हो जाता है। तो चलिए भाई यहाँ पे मॉर्निंग शुरुआत हो चुकी है, अपना ब्रश वगैरह किया 15-20 मिनट तो जैसे सुबह सुबह हमें लगती है, अपना फ्रेश वगैरह होने में, ब्रश वगैरह करने में, मुँह हाथ धोने में, थोड़ा सा इधर उधर टहल ली। और उसके बाद ज़्यादा तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता अपने हाउस वाइफ को, बस उसके बाद लग जाना होता है अपने काम पे। और यहाँ पे बस छत पे अंदर वाले रूम में अपना झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद बस छत पे भी अच्छे से जहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे ना मोरी की तरफ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कचरा इकट्ठा हो गया था, मतलब धूल धक्कड़ जो है, जो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना छत पे, तो वही थी। तो यहाँ से फिर मैंने ना थोड़ा सा आगे आगे से मतलब धूल दिया था और उसके बाद बस अपना पूरे घर में लग गई थी मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि फिलहाल अभी ना इस टाइम पे सभी अपना सो रहे थे, हस्बैंड जी, बच्चे, मम्मी सारे अपना सो रहे थे। तो क्या है कि मतलब शांति से ना अपना मतलब धीमी धीमी आवाज में अपना गाने वगैरह लगाने के बाद उसके बाद है जो मैं अपना ना मतलब अपना काम करने लग जाती हूँ, और मेरे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चे भी मतलब इतना ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि ना इस टाइम पे ना जैसे ठंडा ठंडा जैसे मौसम होता ना, तो इस टाइम पे सुबह सुबह ना बहुत अच्छी है, जो बहुत प्यारी नींद आती है। जैसे मैं छोटी थी ना जब मैं भी मतलब मजे से सोती थी और मम्मी जैसे उठाती थी तो मैं बोलती थी मम्मी सोने दो, अभी अभी नहीं उठना, अभी तो और सोना है। मतलब सुबह सुबह ना बहुत अच्छी जो नींद आती है, सभी को आती है, मेरे को भी आती है, लेकिन थोड़ा सा जो आलस है हमें ना त्यागना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो इस वजह से बस मैं उठ जाती हूँ। और क्या है कि हमें तो बस वैसे उठना भी होता है, सबके लिए सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से। तो जी आज मैंने आप लोगों से ना बहुत सारी बातें अपना सुबह सुबह अपनी कर ली थी बस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैं आप लोगों से ऐसे बातें करती हूँ। और मतलब मेरे पास है ना कमेंट भी आए थे कल दो, तो उनको भी मैंने पढ़ के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों ने ना मेरे पास कमेंट किए थे। तो जी चलिए बस अपना लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे पूरा घर में मैं सुबह सुबह जैसे उठने के बाद अपना झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम तो यही रहता है झाड़ू वगैरह लगाने का, पोछे वगैरह लगाने का, जो घर की क्लीनिंग है ना मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ। आज ना मैंने मतलब ऊपर बीच में से मतलब झाड़ू झाड़ू ही लगाई थी, मैंने पोछे नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को ना बाद में फिर से ना ऊपर लगाना पड़ता है, जैसे कुछ वो होता है ना जैसे मोस वगैरह या कुछ भी मतलब कढ़ाई वगैरह करनी होती है तब तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिनों से मैं क्या करती हूँ ना बीच वाले रूम में ना मतलब पोछे वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाद में ना मतलब बेडशीट वगैरह झाड़ती ना तो दोबारा से लगाना होता है, इस वजह से बस नीचे से अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाई और यहाँ पे अंदर वाले रूम में, बाहर वाले रूम में टेबल पे अच्छे से यहाँ पे पोछा वगैरह जो मैंने अच्छे से लगा दिया था, और घर की जो क्लीनिंग है टोटली है जो मेरी इस टाइम पे ना मतलब कंप्लीट हो जाती है सुबह सुबह ही।
उसके बाद बस मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर, और बाहर से भी मैंने अच्छे से ना धुल दिया था, झाड़ू वगैरह लगाए, तो बाहर से भी मैंने अच्छे से ही धुलती हूँ, तो मैं बाहर से ना कभी रिकॉर्ड नहीं करती, तो आज ही बस थोड़ा सा मैंने ना रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे ना मतलब जो मेरी दीदी है जेठानी दीदी मतलब बाहर आई हुई थी, तो मैं पानी डालने के लिए, तो जी चलिए बस यहाँ पे जो सारा काम है जो मेरा कम्प्लीट हो चुका था साफ सफाई का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बस टेबल पे रखा है अभी अचार का सामान है जो मतलब रखा अभी चला है ना उसका प्रोसेस, तो मम्मी उसका बनाएगी, अभी हाफ बनाया था हाफ रहता था, और उसके बाद बस मैं आ गई थी अपना ऊपर। और आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे ना 7:45 है, मतलब 6:45 में एग्जैक्ट लग गई थी, तो 1.5 घंटा जो मेरे को ना लग गया था, तो फटाफट से मैंने सारा काम है जो अपना यहाँ पे ना कम्प्लीट कर लिया है साफ सफाई का, 1.5 घंटा तो ना आराम से बस लग ही जाता है सुबह सुबह जैसे हम सारी क्लीनिंग वगैरह करते हैं, बस क्लीनिंग ही की है बाकी कुछ भी मैंने इस टाइम तक कुछ काम नहीं किया। और बच्चे भी देख सकते हो आप करवट वगैरह ही बदल रहे हैं, सो ही रहे थे बस। गुड मॉर्निंग, फाइनली अभी फिलहाल मैं आ चुकी अपना नहा धो के रेडी शेडी होके बस, और यहाँ पे आप आई मैं लड्डू उठाने के लिए भावेशी। ए चीनी, चीनू करा चूहा करे नहीं होना भावेशी, ये भी उठ ही नहीं रहा है। और पापा जी अभी फिलहाल इनके गए दूध लेने के लिए दुकान पे मायरा को लेके साथ में, वो उठ चुकी थी लेकिन ये नहीं उठा, इसको स्कूल में जाना ना इसलिए, लेकिन जब संडे होता ना तब सबसे पहले उठ के बैठ जाता है ये, अभी फिलहाल ये सो ही रहा है। भावेशी चीनी नहीं उतना उतना नहीं नहीं उतना, अपने अंगूठा चूस चूस के देखना, इतना अंगूठा नहीं चूसते मेरे बच्चा, सारा वो गंदा हो जाएगा फिर आपका, सारे बहुत बाहर आ जाएगी, गंदा गंदा लगेगा ना फिर, अंगूठा नहीं चूसते, देखिए कितना गिलगिला कर लिया ये चूस चूस के चूस चूस के, टाटा लगाएगी मम्मा फिर, ठीक है अच्छा सो जा दो। चीची लेके आऊं क्या, लेके आई क्या, लेके आई मायरा रानी चॉकलेट लेके आई, दिखा चॉकलेट लेके आए भैया, ये तो मारी दे दो, थैंक यू खाने में, और किसके लिए दे रही थी, चिल्ले के लिए अच्छी है मानी अच्छी है, तो गाइस उसके बाद बस बच्चों को उठाया, और उठाने के बाद बस थोड़ा सा टाइम तो हमें बच्चों को ना मतलब देना चाहिए 5 से 10 मिनट, और उसके बाद बस फटाफट से आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में, तो चाय मैंने रख रखी थी बनने के लिए, बस इसमें उबाल आ ही रहा था, और यहाँ पे बस हस्बैंड जी लेके आए थे दुकान से दूध लेके आए थे ना, तो बस वही मैं निकाल रही थी गिलास में, और यहाँ पे जो चाय है वो भी अच्छे से मतलब बॉयल हो चुकी है, तो चलिए इसमें फटाफट से दूध है जो डाल देती है और उसमें उबाल ले आते हैं, और उसके बाद जो चाय है वो हमारी है जो बनकर तैयार हो गई थी, और उसके बाद बस अपना चाय वगैरह पिया आराम से बैठ के तसल्ली से, और उसके बाद बस चाय पीते ही लड्डू बोला मम्मा ना मेरे को फ्रेश होना है, तो उसी काम के लिए ना इनके पापा जी को ना मैंने ऊपर भेज दिया था, तो जैसे ही ऊपर फ्रेश वगैरह होने के लिए गया तो इसके पापा जी ने ना साथ में ही नहला दिया था इसको, बस ये अभी फिलहाल है ना मतलब नहा के ही आया, आज ना इसके अच्छे से नींद भी नहीं खुली थी, और आज ना इसको फटाफट से इसके पापा जी ने नहला दिया था, और बस नहाने का काम मैंने इनके पापा जी करते, और रेडी शेडी करने का, कपड़े पहनाने का, रेडी शेडी करने का, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरी होती है। बस यहाँ पे मैंने लड्डू को तैयार कर दिया, और ये उठते ही बोला मम्मा माजी कहाँ है, माजी कहाँ, मेरे को ना माजी के पास जाना है, और बस अपना चला गया था नीचे माजी के पास। उसके बाद बस मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, और यहाँ पे कर रही थी मैं लड्डू के लिए टिफिन की तैयारी, तो साथ में मैंने सबसे पहले ना सब्जी बना देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना रोटियाँ बनाऊंगी, तो यहाँ पे बस मैं लगी हुई थी सब्जी बनाने की तैयारी में, तो आलू बैंगन की सब्जी मैंने बनाई थी आज। उसके बाद बस लड्डू के लिए मैंने जो टिफिन पैक कर दिया था, और सब्जी सब्जी मेरी बन गई थी, और लड्डू के लिए ना सिर्फ मैंने एक रोटी ही मतलब बनाई थी इसकी टिफिन के लिए, और एक बनाना मैंने ना इसको दे दिया था, और यहाँ पे बस इसका टिफिन लंच बॉक्स सब मैंने तैयार कर दिया था, बैग में अपना डाल दिया था, और बस अपना लड्डू है जो अपना निकल दिया था अपना स्कूल जाने के लिए। आज ये काफ़ी ज़्यादा उदास था, मम्मा नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे ना करके चला गया था, लेकिन इसके जाने के बाद ना इसकी बहन है ना बहुत ज़्यादा रोई, वो भी बोली मम्मा मेरे को भी जाना मेरे को भी जाना ना बहुत ज़्यादा, मतलब आज रो मायरा रानी उसके बाद जो फाइनली मायरा रानी अपना सो गई है बहुत ज्यादा रोने के बाद, बहुत मुश्किल मतलब आराम से सो गई थी, रोने के बाद बच्चा होता ही ना मतलब सो ही जाता, बस इसको ना गोदी में लेकर इधर उधर टहलाया था मैंने और सो गया था। और यहाँ पे बस मैं लगी थी खाना वगैरह बनाने में, पहले तो सिर्फ है ना मैंने लड्डू लड्डू की टिफिन की थोड़ी सी जल्दी थी ना उसको जाना था 8:30 बजे तक वो गया था, और बाकियों के लिए इतनी ज्यादा जल्दी नहीं थी, 10 बजे तक जाते ना हस्बैंड,
तो इस वजह से फिर मैंने मायरा को गोदी में लेकर इधर उधर टहलाया, फिर वो सो गई थी। उसके बाद में फिर से किचन में आई थी और यहाँ पे बस अपना रोटियाँ वगैरह अपना लग गई थी सेकने में, और रोटियाँ मैंने सेक की ही थी और तभी इंस्टेंट ये अपना फिर से ना मम्मा मम्मा करती ना उठ चुकी थी। इसकी ना बस ऐसी ही नींद है, 15-20 मिनट ने बहुत मुश्किल से सोई होगी और तभी उठ गई थी। और ना फिर मम्मा इसको बस चाहिए होती है हर टाइम पे, और फिर हंसने लग गई थी। पहले रो रही थी ना, फिर हंसने लग गई थी। शैतान बच्ची है ये मेरी। एक्टिंग कर रही थी रोने की, रोने की एक्टिंग कर रही थी है, रोने की एक्टिंग कर रही थी क्या तू? तो जी उसके बाद बस बीच बीच में ना बच्चों को ना मेरे को थोड़ा सा इनके साथ खेलना पड़ता है, इनको भी प्रॉपर तरीके से ना टाइम देना पड़ता है और साथ में घर भी संभालना होता है, तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी पड़ती है, वरना ना मतलब टाइम टाइम के साथ मतलब सारी चीज़ें जो हमारी आदतें हैं चेंज हो जाती है। शादी से पहले हम कुछ और होते हैं, जैसे सिंपल जो लड़की होती है, और शादी के बाद हमारी कुछ लाइफ अलग चेंज हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही हमारे जैसे बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, और जैसे बड़े बच्चे होंगे उसके बाद हमारी लाइफ और चेंज होगी। तो बदलाव तो आते ही रहते हैं, तो उस हिसाब से ना हमें अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ को ना फिर सेट करना पड़ता है। अगर ना हम जैसे आज़ादी चाहती है तो पहले वाली आज़ादी तो हमें मिल नहीं पाती, लेकिन हम उसको सोच सोच के अपना जैसे मेंटली हेल्थ है वो भी ख़राब कर लेते हैं। अभी हमको ना वैसी आज़ादी चाहिए, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं होता। जैसे जो भी चल रहा है परमात्मा ने जो भी दिया है बस इसको इंजॉय करना चाहिए, और बस सब कुछ बढ़िया है, मतलब भगवान जी का धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी हमें करना होता है, हम बच्चों के लिए मतलब सारी चीज़ें करते हैं, तो उनकी तो प्रेफरेंस है जो हमें उनकी देखभाल है तो वो तो ना हमें पहले ही करनी चाहिए। काम तो वैसे फिर भी चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभार होता है ना भी काम भी ज़रूरी है बच्चे भी ज़रूरी है, तो अब समझ में नहीं आता भी क्या करे। तब उस सिचुएशन में मतलब बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता भी करे तो क्या करे कैसे संभाले दोनों को, मतलब बहुत बड़ी एकदम से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आ जाती है एकदम से। पहले जैसे हम फ्री होते थे एकदम से, फिर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारियों के नीचे ना फिर थोड़ा सा धीरे धीरे आदत हो जाती है सेट वेट होने की। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में, उसके बाद बस मैं लग गई थी ये बर्तनों को धुलने में, और अभी ना फिलहाल 9:30 बजे के करीब जैसे, हाँ 9:30 बजे के करीब ही टाइम हो गया था, और हस्बैंड जी आए नहीं थे, मैंने उन्हीं का वेट कर ली थी, अभी तक आए नहीं कहाँ रह गए। और यहाँ पे बस मैंने जैसे बर्तन धुले थे ना तभी ये मतलब आ गए थे, और यहाँ पे बस बर्तन ही धुले थे मैंने, बाकी कुछ काम नहीं किया था। और मैं इनसे पूछ रही थी टिफिन में मतलब खाना है जो पैक करूँ या प्लेट में डालूँ, तो ये बोले भाई यहीं पे ही खा के जाऊँगा। तो जी चलिए यहाँ पे जो थाली है आज की तैयार हो चुकी है, तो खीरा और प्याज है मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, और आलू बैंगन की सब्जी है जो मैंने बनाई थी वही है, रोटियां हैं। तो चलिए आइए आप भी मतलब आराम से बैठ के अपना खाना खा लेते हैं, यहाँ पे आइए आप भी खा लीजिएगा साथ में। खाना वगैरह खाने के बाद बस अपना हस्बैंड जी निकल दिए थे अपना ऑफिस के लिए, और उसके बाद बस अपना लग जाती है फिर से काम पे। और मायरा रानी को ना मैं नीचे दी आई थी मम्मी को, तो उसका कहना भी जैसे ना उसको अपने आप से उतरना भी आ चुका है, और चढ़ना तो उसको ऐसे ही पहले से ही आता था, लेकिन अब क्या है ना वो अपने आप से मतलब ना धीरे धीरे ना करके ना वो नीचे चली जाती है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। एक ऊपर से खड़ी पैड़ी भी है थोड़ा सा ना, फिर बच्चों का ना ध्यान रखना पड़ता है कहीं चोट वगैरह ना खा ले। ऊपर आना तो उसको ना आसान लगता है, लेकिन नीचे जाना भाई थोड़ा सा मेरे को डर लगता है, क्योंकि अभी ना उसने सिर्फ 2 दिन से ही थोड़ा सा ना मतलब नीचे जाना सीखा। और यहाँ पे बस सारी जो किचन है मैंने अपना क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप गैस सिंक बर्तन वगैरह धुलने के बाद अच्छे से सिंक को भी धुल दिया है, और किचन का काम है जितना भी था सारा समेट के मैंने फ्री हो गई थी, और उसके बाद बस आ गई थी रूम में, और बस लास्ट काम मेरा ये रूम का ही रहता है, बाकी सारा काम है जो मेरा कम्प्लीट हो गया था, और ये सारा ना फैला ही रहता था अभी तक, क्योंकि अभी तक मैं फ्री हुई नहीं थी। और यहाँ पे बस अभी 10:15 बजे का टाइम था ना, अभी मैं जाके ना फ्री हुई थी, और बस लास्ट काम था यहाँ पे, बस ये हस्बैंड जी के कपड़े वगैरह थे इनको मैंने साइड में रख दिया था बाहर धुलने के लिए, और यहाँ पे बस ये थोड़ी सी बेडशीट अभी मतलब गंदी हो गई थी, इसको भी ना मेरे को चेंज करना था, बस इसको मैंने उतार के अच्छे से यहाँ पे, और दूसरे वाली जो बेडशीट है उसको यहाँ पे बिछा दिया है, और फटाफट से जो रूम है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो जी उसके बाद मैंने रूम को अच्छे से ना सेट कर दिया था, और उसके बाद बस मैं आ गई थी बाहर। शाम के टाइम पे हस्बैंड जी लेके आए थे थोड़े से आलू प्याज लेके आए थे, तो ये रखे थे थैलियों में बंधे हुए, तो इनको ना मेरे को रैक में रखना था, और वही बस मैं बैठ गई थी यहाँ पे इनको मतलब रखने के लिए,
मैं जैसे प्याज वगैरह रखती हूँ ना, तो इनको अच्छे से छील के ही रखती हूँ, वरना ना फिर मतलब किचन में ना प्याज के छिले के उड़ते ही रहते हैं, तो बस इनको थोड़ा सा साफ कर करके ही रखती हूँ। और आलू को तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया था, आज तो बिना धुले ही मैं बाद में ही धुल लूंगी। और यहाँ पे बस और थोड़ा सा ग्रोसरी का भी सामान लेके आए थे ये थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा ही मैंने मंगवाया था, थोड़ा सा थोड़े दिन पहले मंगवाया था, वरना तो ना पहले जैसे साथ में ही ले आते थे। इसमें भी मैं ना देख रही थी क्या क्या लेके आए थे, साबुन वगैरह थी नहाने धोने वाली, बर्तन धुलने वाली, और ये दाल वगैरह थी, चावल वगैरह थे, ये बहुत मतलब जरूरी जरूरी सामान था ना, बस मैंने वही मंगवाया था। तो चलिए इनको ना साथ में ही मैं मतलब डब्बों में डाल के इनको फिक्स करके रख देती हूँ, और साबुन को अपना रख देती हूँ साइड में, तो सारा सामान इनको ना फटाफट से सेट है। मतलब चीजों को ना ठिकाने पे ही रखना पड़ता है, और ना फिर ढूंढते रहो भी क्या है, और जो एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत बच जाता है उसको बस मैं ये थोड़ा सा बड़े बर्तन है ना इसमें रख देती हूँ, और बस सारा सामान है मैंने ना यहाँ पे फटाफट से सेट कर दिया था। सारे दाल को डब्बे में डाल दिया था, चावल को भी डब्बे में डाल दिया था, तो सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे मेरी सेट हो गई थी। तो जिसके बाद सारा काम है जो मेरा घर का कंप्लीट हो चुका था, और बस अभी बस लास्ट जो काम था अभी मैं फटाफट से यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, और उसके बाद बस मैंने लगा दिया था पोछा, और सारा काम है जो मेरा कंप्लीट हो चुका था, और सारा घर है जो मेरा ना साफ सुथरा अच्छे से व्यवस्थित मैंने कर दिया था। और उसके बाद एक काम और, मतलब काम है जो आगे आगे बढ़ते ही रहते हैं, मैं सोचती हूँ कंप्लीट हो गए लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ता ही रहता है। फिर मेरे को ध्यान आया भी आज तो मायरा रानी को मैंने नहलाया नहीं, सिर्फ लड्डू ही नहलाया था इसके पापा जी ने, मायरा रानी आज नहलाई नहीं थी, तो उसको भी मेरे को नहलाना था, तो फिर मैं उसको लेके आई थी नीचे से, और उसको फिर मैं लग गई थी बस नहलाने में। मैंने ना ये ब्रश मंगवाया था ऑनलाइन, मैंने देखा तो मेरे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं ट्राई कर रही थी भी कैसा क्या होएगा ये, तो बच्चे क्या है कि ब्रश वगैरह नहीं कर पाते जैसे, और टूथपेस्ट तो मतलब जैसे इनके मुंह में भी चला जाता है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब सॉफ्ट ब्रश था, तो क्या है ना बच्चे ज्यादा चॉकलेट टॉफी वगैरह खाते हैं तो इनके दांत ना सड़ जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो वही मैं मंगवाया था। मैं सोच रही थी भाई इनके दांत जो साफ सुथरे रहे, तो क्या होता है कि बच्चे ब्रश नहीं कर पाते, तो मैंने इस वजह से मैंने मंगवाया था। और मैं ना इसको कर रही थी क्योंकि चॉकलेट वगैरह जैसे खाते ना वो चिपकी रहती है, तो फिर जल्दी से सड़ने के चांसेस रहते, और इसी को ना मैं करने भी लग रही थी, तो मायरा रानी ना मजे से करवा रही थी, तो मैं सोच रही थी भाई कभी ये ना करवाए, लेकिन इसको ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, और फिर तो इसने इसको छोड़ा ही नहीं, बस बोली कि मम्मा मेरे को दे दो, मेरे को ही करना है। और फिर ना काफी टाइम इसके साथ ही है ना मतलब खेलती रही, और यहाँ पे भाई मैंने मायरा रानी को अच्छे से नहला दिया था, और नहा धो के सारा जो काम है मेरा कंप्लीट हो चुका था फाइनली। और फिलहाल ना अभी मतलब 11 बजे का ही टाइम था, और अभी तक मैं एग्जैक्ट है जो फ्री हो चुकी थी सारे कामों से अपने। सो गाइस फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और 11:15 बजे के करीब जैसे टाइम हो चुका है, और मायरा रानी है मेरी फिलहाल सोच के नहा धो के, लाडू रानी ना फिर से सो गई है ये अभी फिलहाल, और लड्डू को लेके आने में फिलहाल अभी 1 घंटा है, और उसको मैं 12 बजे लेके आऊंगी अभी। चलो करते हैं सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी 1 घंटा कर लेते हैं रेस्ट, और उसके बाद मैं जाऊंगी लड्डू को लेने के लिए उसके स्कूल में, और उसके आने के बाद फिर थोड़ा सा रूटीन। चलिए फ्रेंड्स कर देती हूँ इसी के साथ ब्लॉग को भी यहीं पे, एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।